ये साला कुत्ता। चलो चलो सोया था, मां कसम इधर ही सोया था साहब। निकल गया साला कुत्ता। बोल क्या करूं? तेरी मर्जी, लेकिन एक बात बोलूं, ब्रिगेंजा ने तेरी लाइफ का अकाउंट बंद करने का ऑर्डर पास किया, कोई नहीं बचा सकता। अब उनका क्या खबरी है? खबर देना काम, मैं नहीं देगा तो कोई दूसरा देगा। बहुत प्यार करता हूं अपनी जिंदगी से, इसलिए इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, लेकिन साला इसे जो छीनने की कोशिश करेगा उसे तो मैं अनवर भाई। असलम, खबर मिली कुत्ते की? नहीं नहीं भाई, अभी तक नहीं। मालूम पड़ा तो बोलेगा? हाँ भाई। तेरा दोस्त है ना, फिर भी बोलेगा? भाई तुमको तो पता ही है, अपने धंधे में कोई दोस्त नहीं होता। अपन लोग खबरी है और अपन का काम है खबर देना। ऐसे ही सोचना वरना समझ जा। जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। मुंह बंद कर साले, जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है प्रधान। प्रधान मेरी क्या मदद करेगा? अगर उसने मुझे ब्रिगेंजा के हाथ में दे दिया तो? प्रधान तेरे बाप का दोस्त था। वो तो ब्रिगेंजा भी था। प्रधान ही एक ऐसा आदमी है जो ब्रिगेंजा से लफड़ा करने के बाद जिंदा है, वरना कोई भी ब्रिगेंजा से दुश्मनी करता है ना तो जिंदा नहीं रहता। डरा रहा मेरे को? नहीं, प्रधान की ताकत समझा रहा हूं। मेरी एक बात मान, मुंबई छोड़ गोवा चला जा। गोवा?
मिनट। यस सर। प्रधान साहब से मिलना है। पंद्रह साल हो गए तुझे देख के, लेकिन इस बीच तेरे बारे में बहुत कुछ सुना और यह भी सुना कि तू मुंबई का एक बहुत बड़ा पीस बन गया है। ब्रिगेंजा को उड़ा क्यों नहीं देता? ब्रिगेंजा मेरे खून का प्यासा है, मैं ब्रिगेंजा के नहीं। कितना भी गिर जाओ, यह काम मैं कभी नहीं कर सकता। क्या करूं, रिश्ता ही कुछ ऐसा है, दिल पे राज करता था मेरे। और उसी के दिल को चीर दिया जो दिल पे राज करता था। तेरे हाथ नहीं कांपे ऐसा करते वक्त? बहुत कांपे, पर क्या करूं, जीना हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता था। क्या तू इसीलिए आया है मेरे पास? अगर इसीलिए आया है तो माफ करना। ब्रिगेंजा से अलग होकर अगर आज मैं जिंदा हूं तो अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि ब्रिगेंजा साहब की मेहरबानी की वजह से। आज मैं अगर उसका दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं, और तुझे पनाह देता हूं तो शायद। नहीं रोनी, मैं खुश हूं अपने धंधे में यार। चलो, मैं तेरे को देखने की तमन्ना थी इसलिए बुला लिया। हो सकता है मेरा यह कदम मुझे बहुत भारी पड़े, लेकिन मैं संभाल लूंगा, तू जा। पर जाने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, मेरी यहां की खबर ब्रिगेंजा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, जा। थैंक यू।
जितनी शांति तुम्हारी दुनिया में है उतना ही टेंशन बाहर की दुनिया में है, इसलिए यहां आया हूं। तेरे को तो मालूम है मेरी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये हमारी अंडरवर्ल्ड की दुनिया ही अजीब है। एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन जाती है। नो यू टर्न। काश समय का भी यू टर्न होता। रोनित, अभी आपको सोने का है ना? सोते समय ऐसी बातें नहीं करते। हाँ ओके ओके आंटी। चलो अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा लगा देखकर। अपने तो सभी पाल लेते हैं, दूसरे का पालना मुश्किल होता है। पाल लेगी तू उसको जॉन? मेरे लिए रोनित और मारियो में कोई फर्क नहीं है। थैंक्स लीना, मेरे को बहुत खुशी है। और मैं ये जानता है कि सुधीर की आत्मा जहां कहीं भी होगी वो भी बहुत खुश होगी। साला धोखे पास निकला, चला गया मेरे को छोड़ के। जॉन हेलो, मिल गया वो कुत्ता, उड़ा दूँ साले को। सब्र कर, पूरे 24 घंटे मैं इंतजार किया, तू आधा घंटा भी नहीं कर सकता? सुधीर की एक एक तकलीफ का हिसाब लेना है मेरे को। जॉन कहाँ जा रहे हो तुम? रोनित, रोनित कहाँ गया? रोनित, जॉन, 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 we
गई मेरे से बिगंजा साहब, गलती हो गई। गलती हो गई तेरे से मतलब? मतलब तूने नहीं किया तो से हो गया है ना? बताना ऐसे कैसे हमारे धंधे में कुछ भी हो जाता है? मतलब आदमी करता नहीं, हो जाता है। बिगड़ा साहब, मैंने किया है, मैंने किया है। क्यों? कोकेन की डील में हेरा फेरी हो गई थी। वो क्या है ना, सुधीर को मालूम हो गया, इसलिए मैंने उसको जान से मार डाला। अपनी गंदी जान बचाने के लिए तूने उसे मार डाला जो मेरी जान था। गलती हो गई मेरे से ब्रिगेंजा साहब, मुझे माफ कर दो। जा, तुझे माफ किया। मगर एक बात बता, पहली गोली कहां मारी थी? सिर पे। तो सुवर, बाकी की 5 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? अगर मारना ही था तो यहां मारता, यहां मारता, तीसरी यहां मारता, चौथी यहां मारता, पांचवी यहां मारता और छठी। जो कुछ भी तुमने देखा उसे भूल जाओ और पढ़ाई में ध्यान देना। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारा डैडी सुधीर भी एक अच्छा आदमी था। ए, आराम से इसे खोलिए ना। थैंक यू अंकल।
बताना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? टीना, तुम्हारे कपड़े छोटे हैं। इनफ राहुल, भगवान कपड़े देकर लोगों को आशीर्वाद देता है क्या? कम ऑन टीना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ किसी के छोटे छोटे कपड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। देखो आरती भी खत्म होने वाली है, प्लीज। ओके, मेक इट फास्ट। ओके, मैं यू गया और यू आया। कोई से टीना, ये लो प्रसाद लो। थैंक्स। चलो। मर्दों वाली बात छोड़ना मत, सबको पीट पाट के भेजना। क्या प्रॉब्लम है बॉस? हाँ, कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? जाओ ना कॉलेज के पास, जाओ डिस्कोथेक के पास जाओ, इससे भी अच्छी लड़कियां मिलेगी, यू नो, छोटी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए। जाओ वहां जाके सिटी बजाओ। क्यों, इसको देखकर बजाना क्राइम है क्या? अगर मैं कहूं कि ये क्राइम है तो क्या? नो प्रॉब्लम। ओके बॉयज, सी यू। इट वॉज प्लेजर सीइंग यू। अच्छी सीटी बजाते हो, मैं भी सीखूंगा। बात क्या कर रहे थे? दो थप्पड़ लगा देना, सीटी बजाना भूल जाते। हे, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडा इंसान हूं मैं, कूल मैन। लेकिन एक बार गुस्सा आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। क्या तुम चाहती हो कि मुझे फांसी हो जाए? अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी जाता हूँ। ना ना, तुम क्यों चढ़ोगे फांसी? मैं हूँ ना, मैं चढ़ूंगी फांसी। ओके टीना, भाग साले। टीना,
गुस्सा आ रहा है ना? मैं ऐसा ही हूं फट्टू साला। टीना मैं जाऊं? हाँ जाओ। सचमुच जाऊं? इधर आओ। थैंक यू। अब जाओ। क्या सर, हटो ना प्लीज। कॉलेज के बच्चों का डर, सारी दुनिया का डर, इतना डरते हो कि मेरी तो छोड़ो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते हो तुम। टीना मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिल्मी हीरो थोड़ी ना हो कि सबको मारता फिरूं। तो बनो ना हीरो, मैं चाहती हूँ कि तुम हीरो बनो, मेरे हीरो, सारी दुनिया के हीरो। मगर तुम छी। अब जैसा भी हूँ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा।
मुश्किल हो गई जीने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी इस तरह मदद करोगे। काश तुमने मेरी उस वक्त मदद की होती जब मैं और मारियो कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके ब्रिगेंजा के दुनिया में लौटे थे। आई दैट गुड Enjoy. Sure. बाहर के लोगों को देख के अब तक तो समझ ही गया होगा कि ब्रिगेंजा क्या चीज है।
बचपन में एक सवाल पूछा था तूने, क्या मेरा बाप ऐसा ही था? कोई जवाब नहीं था मेरे पास, और शायद इसी वजह से मैंने तेरे को और मारियो को बहुत दूर भेज दिया था। आज फिर मैं उसी मोड़ पर खड़ा हूं। जवाब आज भी नहीं है मेरे पास, मगर हां, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई बंदिश नहीं है मेरी तरफ से, न तुझ पे और न मारियो पे, क्योंकि आगे क्या करना है ये तेरा और मारियो का अपना फैसला होगा। एक बात और, मारियो अपना फैसला सुना चुका है, वो मेरे साथ है। बाप का दर्जा दिया है मैंने आपको, आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपकी दुनिया से उतनी ही नफरत करता हूं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जा अपनी लाइफ एंजॉय कर। गुनाहों की दुनिया से अलग होने के अपने इस फैसले से मैं बहुत खुश था, मगर टाइम के आगे इंसान का बस नहीं चलता। टाइम गलत हो तो इंसान का हर फैसला गलत साबित होता है। एक मिनट। हाँ बोल। तुम लोग उधर फीलिंग लगा के रखो, मैं पहुंचता हूं। साला एक आखिरी दिन है। वो छोड़े पार्टी साइड में कर, साइड में करना यार। मारियो अब मैं निकलता हूं यार। रुकना यार, माना कि तू हमारे साथ काम नहीं करता है, गाड़ी में तो रुक सकता है। हैं छोड़ू, ख्याल रखना इसका। सब गड़बड़ हो गया, किसी ने खबर दे दी है, उड़ा दो सालों को। चल Thank you.
मुझे मेरा सुधीर मिल गया। सबसे पहले मुझे बताओ कि वो लोग हमारे साथ थे, सुनो हमारे बोले आदमी किधर चले गए? क्या बच गया तू? अभी ये सब छोड़, टेंशन मत ले, चल सब भूल जाए। कितना समझाया तेरे को, सेफ्टी पहले, सेफ्टी था डैड, सरप्राइज हो गया मैं करने का। चल ठीक है। ब्रिगेंजा को उसका सुधीर मिल गया और मुझे एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ खून खराबा और धोखेबाजी थी। धीरे धीरे न चाहते हुए भी मैं इतना अंदर गुस्सा चला गया कि मेरे लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया। ब्रिगेंजा के बाद अगर किसी की चलती थी तो वो मेरी चलती थी। पंटर लोग भी मेरे इशारे पे चलते थे, कभी जान का सौदा तो कभी माल का। ब्रिगेंजा का सारा धंधा अब मैं संभालने लगा। ब्रिगेंजा मेरे इस नए रोल से बहुत खुश था, मेरी तारीफ भी करता था। लेकिन मारियो, अरे कदम, इतना अर्जेंट काय का बुलाया? मालूम है ना, रॉनी के काम से जा रहा हूं। मालूम है, मैंने भी तेरे को रॉनी के काम से ही बुलाया है। ऐसा? चलो डैड, आपको पता भी है कि आजकल आपके पीठ के पीछे चल क्या रहा? हाँ हाँ, आपको तो कैसे पता होगा, आजकल तो आपके सर पर नाच रहा ना वो। उसकी लापरवाही की वजह से आज हमारा खास आदमी मर गया, पुलिस ने उसको उड़ा दिया, जानते हैं आप? यू नो मारियो, तुम और रोनी बोथ आर ऑफ द सेम एज, लेकिन जब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो तुम मुझे अभी भी बच्चे लगते हो। ग्रो अप नाउ। ओह कम ऑन डैड। ए लिसन, वो ड्यूटी हमारी करता था लेकिन ओवर टाइम पुलिस का करता था, बस समझे? Well done, Kadam. Thank you. Anwar. Ji. Thank you. Thank you. Aaja Kadam. अपनी इस हार को मारियो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी उस मुस्कुराहट ने
आग में पेट्रोल का काम कर दिया। मेरे लिए उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा मारियो से बात करना जरूरी है। यार मारिया तू यहां है, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। क्यों मेरी भी टिप देने क्या पुलिस को? ए मारियो 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 मेरी बात तो सुन यार, तू मेरे भाई जैसा है यार। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर। अबे तू चीज क्या है जो मुझे तेरे से प्रॉब्लम होगी? ये तो मेरे बाप की मेहरबानी है जो मेरी बराबर में पल गया साले। पूछता है प्रॉब्लम क्या है। मेरा बाप तुम्हारे बाप का दोस्त था। दोस्त? नौकर था बे, काम करता था मेरे बाप के लिए जैसे तू काम करता है। मेरे बाप को तो भिखारियों को पालने का शौक है लेकिन मुझे नहीं, समझे? इसलिए तू अब अपने कल की सोच। क्या हाय का मतलब नहीं समझते क्या है? छोड़ इसको। क्या हीरो है क्या तेरा ये? रोनी साहब इसे रोकिए। क्या ये मिनिस्टर की बेटी है? क्या नाम है तेरा? ओह शिट। क्या नाम है तेरा? मारियो। क्या नाम है तेरा? मारियो। अब जाइए यहाँ से प्लीज। आई एम सॉरी रोनी। हट जा, हट जा मेरे रास्ते से, बोल रहा हूँ। मारियो हट जा मेरे रास्ते से। आई एम सॉरी देशमुख, मेरा बेटा नादान है। वो नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बेटी है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। बहुत फर्क है ब्रिगेंजा तुझ में और तेरे आवारा बेटे में। देख लज्जा या पश्चाताप का कोई भी चिन्ह नजर आ रहा है तुझे उसके चेहरे पर? प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दे देशमुख, प्लीज। तुम्हारा चेहरा देखकर ही छोड़ रहा हूँ इसको, वरना मेरे एक इशारे पर पुलिस गले में पट्टा डालकर इसे यहाँ से ले जाती और इसको वो सजा देती कि ये दोबारा कभी किसी लड़की के काबिल ही नहीं रहता। गली गली ताली बजाता फिरेगा साला। क्या कर रहे हो? इतना छोड़ो मुझे। क्या किया? मारियो। सॉरी डैड। क्या सॉरी? Forgive me, Dad. Please, please. I'm so sorry, Dad. ये तूने क्या किया? I'm so sorry.
एक बात बता, कल जो कुछ हुआ वो सही था या गलत? गलत। गलत गलत, मैं जानता हूं मैंने गलत किया यार। साला दिमाग खराब हो गया था मेरा, दिमाग खराब हो गया था यार। मैं इतना भी नहीं सोचा कि मेरी इस गलत हरकत की वजह से मेरे बाप को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। I'm a selfish bastard man। पर ये कमाल की बात है यार, उन्हें मैं अपने बाप का बेटा होकर उसकी इतनी चिंता नहीं करता जितनी तू करता है यार। और मैं तेरे को हमेशा से गलत समझता आया हूं यार। मैं पागल हो गया हूं यार। ए मारियो, ए भूल जा मैन। ये देख, आदमी रियलाइज करता है, फील करता है, बस उतना ही काफी है। कल से एक नई लाइफ शुरू करते हैं। टोनी, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता यार। और मेरे को पता है कि तूने मुझे अभी भी माफ नहीं किया। I'm really sorry man। ए मारियो यार, तू मेरा भाई है, पानी में लकड़ी मारेगा तो पानी अलग हो जाएगा। थैंक्स। ओ यार, डैड ने तेरे लिए लेटर दिया ये रतन को देने के लिए। उसे कुछ हिसाब में बड़ा कंप्लेंट आ रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो मर जाएगा साला। डैड ने बोला यार डिलीवर तू करना, लेटर दे देगा ना तू? या अरे रॉनी साहब, आप रतन कहाँ है? एक मिनट साहब, मैं पूछ कर आता हूँ। रतन से रॉनी आया है। तूने उसको बोला मैं इधर हूँ? जाके बोल दूँ? नहीं है, भेज उसको। जा रे, हट। बुलाया सब। थैंक यू। मैं खुद आके मिलने वाला था ब्रिगेंजा साहब से। मैसेज है तेरे लिए। किसी पंटर को भेज दिया होता तू खुद कहे को आया? ऑर्डर मुझे मिला इसलिए मैं खुद आया हूं। रतन,
उड़ा दे साले को। हेलो ओए रतन। ए मारियो, बहुत बेचैन है मेरी मौत की खबर सुनने के लिए। व्हाई मारियो व्हाई? जानबूझ के नहीं किया मैंने, वो मेरे को मारना चाहता था। तो मर जाता क्या मेरे एहसानों की इतनी भी कीमत नहीं चुका सकता था? माफ नहीं कर सकते मुझे? नहीं। एक बात बोलूं, अंधे हो गए हो, अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए हो, लेकिन एक बात सुन लो, मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं हूं। उसके बाद तो मुंबई में रुकना अपनी मौत को दावत देना था। हर गली हर मोड़ हर सड़क पे मेरा इंतजार हो रहा था। लेकिन अब मैं ऐसा गेम खेलूंगा कि ब्रिगेंजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुड मॉर्निंग बॉयज, कम ऑन, सॉरी आई एम लेट। So, let's start. सुधर जाओ सर, सुधर जाओ। जब भी पढ़ने का मूड होता है हमेशा लेट आते हो। हंसी क्यों आई? वो तुमने आपने कहा ना आपको पढ़ने का मूड है इसलिए। क्यों, गलत बोला क्या? मेरे को पढ़ने का हक नहीं है क्या? है ना, हक है, लेकिन आपको कभी पढ़ते हुए देखा नहीं ना मैंने। नहीं देखा तो क्या, मेरी गलती? मेरी गलती है। क्या?
राहुल, राहुल, what is this? सोने तो ना बहुत अच्छा सपना देख रहा था। मैं तुम्हें ये फिल्म देखकर कुछ सीखने के लिए कह रही हूँ, और तुम? नहीं होता मुझसे ये सब। You are hopeless. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम वो बन ही नहीं सकते जो मैं चाहती हूँ। Please, I'm sorry. मैं कसम खाता हूँ। तुम्हें जैसा चाहिए वैसे मैं बनूंगा। Please, I'm sorry. Please. मेरी हर बात मानोगे? मानूंगा। तो देखो और कुछ सीखने की कोशिश करो। टीना, मैं एक ठंडा इंसान हूँ, कूल मैन। फट्टू साला। कमान 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 राहुल, तुम्हें वो बनना है जो आज तक कोई प्रोफेसर नहीं बन सका। यस, फाइटर। तेरे बाप ने कभी फाइटिंग की थी? Yes, तुम कर सकते हो राहुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम्हें टीना की पसंद का बनने से कोई नहीं रोक सकता। लड़की मरवाएगी इस साले को। ओह, मुझे सोना होगा, कल सुबह टीना को लेके मुझे बीच पे जाना है। लेट्स गो। I'm sorry, प्रोफेसर, कल तो आप दिन भर सोओगे। टीना के साथ बीच पे मैं जाऊंगा। Mystery thing, check it out, yeah, the hit house sing. Dil ki kar le, jaane ja, mauka na jaaye nikal. Hum jawaan, rut jawaan, arma jagate ye pal. Dil ki kar le, jaane ja, mauka na jaaye nikal. Hum jawaan, rut jawaan. अरमा जगाते ये पल कह रहे ना रहे फासले जो
भी चाहे दिल यहाँ पे कर लेना, मस्ताना समा तो फिर दिल क्यों मच लेना। So well, come on girl, let me ring your bells. This one, the house transmission. Everybody, write your decision. Yeah, 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 yeah. Ding, ding, dong. Move, 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 move. तो मेरे को कोई खुशी नहीं है तेरे को तकलीफ पहुंचा के, लेकिन क्या करूं, तुझसे ज्यादा तकलीफ तो मेरे को है। बता वो कुत्ता कहां है? गोवा। किसके यहां? प्रधान, तू सच बोला? प्रधान, साहब मारियो के बारे में सुना, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सालों बाद मिला है, गले नहीं लगेगा?
बंदा अलग कर लिया, मैं कुछ नहीं बोला। तू इंटेलिजेंट आदमी था, मगर जिंदा रहने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट होना तो काफी नहीं है। फिर भी तू जिंदा रहा, जानता है ना क्यों? बस आपकी मेहरबानी से। चीयर्स। चीयर्स। रोनी कहाँ है? आया था मेरे पास, बचाने को बोल रहा था, मगर मैंने मना कर दिया। वी? हाँ बोल। कॉन्ट्रैक्ट है तेरे लिए। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट देने कब से लगे? फालतू बात नहीं, खाली है या नहीं बस इतना बोल। अभी अभी हुआ। किसको टपकाया? भाई लोग थे, गुजरात की छक्कू सेठ की बीवी के साथ यारी थी सालों की, मुंबई लाए थे भगा के ऐश करने। टपक गए, से चीज गुड बॉय। और बीवी? कब मिलना है? कब मिल सकता है? एक घंटे में। ठीक है। अब तू क्या करेगी? पुलिस के पास जाएगी? नहीं। देख, तेरा पति तो तुझे वापस रखने से रहा। ये ले, ये कार्ड रख ले, सुल्तान नाम है इसका, चमड़ी का धंधा करवाता है। तेरे जैसी औरतें वहीं खुश रह सकती हैं, खुद भी ऐश कर, लोगों को भी ऐश करवा। और सुन, कभी कभी मौका मिला तो हम भी आ जाएंगे। काम हो जाएगा, लेकिन पेमेंट पूरे 10 लाख। पंडित, होश में बात कर, मालूम है ना किसका काम है ये? अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा आदमी है तुम्हारा सांप, लेकिन मैं भी अंडरवर्ल्ड का अकेला ऐसा आदमी हूं जो डील होने के बाद आदमी को कब्र से खोद के गोली मारता हूं और बाद में फोटो खींचकर अपना वादा पूरा करता हूं। बाकी तुम्हारी मर्जी, बहुत आदमी है तुम्हारे पास, जाओ ढूंढो और उड़ा दो उस साले को, 10 लाख भी बच जाएंगे। बाकी रहा सवाल रोनी का, तो वो आखिरी बार गोवा में देखा गया था, बस इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। हाँ, ये मुल्क छोड़ के मैं से जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। बाकी तुम अपना काम करो,
मेरे आदमी अपना काम करेंगे। इसकी तो जात का साला है तो डरपोक, लेकिन बाइक ऐसे चलाता है, मरवाएगा साला एक दिन। ब्रिगेंजा को कैसे पता चला कि मैं गोवा में हूं? असलम, मरने से पहले सब कुछ बता दिया। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रॉनी, अब देर मत कर। ब्रिगेंजा को पता चल गया है कि तू गोवा में है, और आज अगर राहुल को कुछ हो जाता तो तेरा सारा गेम खत्म हो जाता। इसलिए जल्द से जल्द अपना गेम शुरू कर, वरना तो अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए ये सीडी ढूंढी है। हाँ। बॉक्सिंग की सीडी है। कुछ देखोगे तो कुछ सीखोगे। कुछ पंचेस किधर मारते हैं, कहाँ मारते हैं, कितना फास्ट मारते हैं। लेकिन ये तो लड़की है। अरे लड़की तो क्या हुआ, पंचेस देखो, इसके पंचेस के कमाल का फाइट करती है। बोला ना कि वो सीडी नहीं है। देखो ना, पड़ी होगी किसी कोने में। समझने की कोशिश करो, नहीं है तो नहीं है। क्या नहीं क्या है? नहीं, इतना बड़ा शोरूम और एक सीडी नहीं है। You just wait. मैं इनको एक मिनट में ठीक करके आती हूँ। मैं कुछ काम आ सकता हूँ? हाँ सकते हो ना, लेकिन अभी नहीं। पहले सीडी देखो, कुछ सीखो, फिर शायद आ सकते हो। वैसे भी वो तीन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सॉरी बॉयज, हम ऐसे सीडी नहीं रखते। क्या सर, एक्स्ट्रा पैसा ले लो ना, आज अपन लोगों का मूड है। एक मिनट। तुम लोग निकलते हो या पुलिस को बुलाओ? हे बॉयज, उन्होंने कह दिया कि नहीं है तो नहीं है, क्यों उनको टेंशन दे रहे हो? ए, तू कौन है बे? चल निकल निकल, नहीं तो Help him, God. Jesus, please help him. Please be with him, God. Please help him.
Keep this. Do you know Baba Rahul ne kya kiya? What are you doing, man? Shh. उसको किधर कुछ करने को आता रही, वो तो तुम्हारे दम पे उड़ी मारता है। नो पापा, आई स्वेयर, उसने आज वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तीन तीन लड़के लोग को ऐसे पंच मारा, एक मिनट में फ्लैट कर दिया पापा। ऐसा किया उसने? दारू पिया लाएंगा? नो पापा, एकदम सोबर। अच्छा, कुछ गड़बड़ है? मैं भी वही सोचता है। क्या गड़बड़ है मैन? है? मतलब? मैंने पापा को सब बता दिया। सब बता दिया? क्या बता दिया? ओफो, अब नाटक मत करो। आज तुम इतने परफेक्ट लग रहे थे। एकदम डेयरिंग एंड डैशिंग। डैशिंग? यस। आई डोंट बिलीव इट कि वो तुम थे। तीन तीन गुंडों को एक मिनट में फ्लैट कर दिया। तुम्हें यकीन है कि वो मैं ही था? नाटक कर रहे हो? What do you mean by यकीन? मैं ही था। You should thank me for that. तुम्हें ऐसा बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। You know what? अब कहीं जाकर तुम मेरे ड्रीम बॉय बने हो। वरना इससे पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि तुमसे शादी करूं या नहीं। हमेशा यही सोचती कि ऐसे आदमी से क्या शादी करना जो खुद की हिफाजत ना कर सके। But now, you are my perfect choice. अगर मैं वैसा नहीं होता जैसे अब हूं तो तुम मुझसे शादी नहीं करती? What? जैसे मैं हूं, अगर वैसे मैं तुमने शराब पी है? नहीं। अगर मैं जैसे हूँ वैसे नहीं होता तो तू मुझे छोड़ देती? डैड, मेरे लिए Come on, Dad. ऐसे क्या देख रहे हो? अपना वाला बनाओ ना। Yes, yes, my son. Yes. Yes. Hey, Roni, come on. Join us. Dad, बाहरीन से कुछ लोग आए, बड़ी डील। ऐसा? Good. Okay then, make it fast. Yeah. Hey!
What happened? क्या सोच रहा है? Come on. Come, come. डैड आपने सारा कंट्रोल इसके हाथ में दे रखा? स्ट्रेंज, एक दिन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर सब कुछ बर्बाद कर देगा। जब वो ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज रोनित तेरी तरह छोटी छोटी गलती नहीं करता। किसी दिन बहुत बड़ी करेगा डैड, शायद उस दिन आपको ये बात मेरी याद आएगी। मारियो, मैंने बोला ना, वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा बस। सच बोलो तो उसने गलत किया, बहुत बड़ा गलती किया। तो क्या प्लान है भैया, चल रही हो ना कल मेरे साथ में? ऑफ कोर्स यार, फिल्म देखेंगे, देन डिनर तुम्हारे साथ में, शाम को बीच पे, या ऑफ कोर्स तुम्हारे, मैं सिर्फ तुम। हाँ हाँ, क्या है? डर गया क्या? सब तेरे को देख रहे हैं, इज्जत का सवाल है बॉस। सब नकली है बॉस। और नहीं तो क्या, इस बच्चन की औकात है गन खरीदने की? Sit down, please. Students, ये कैसी आवाज थी? Mr. Raul, tell me. Sir, आवाज? कौन सी आवाज? बच्चों, आपको कोई आवाज सुनाई दी? No, sir. Yes, sir. No, sir. ये yes, sir, no, sir. What's your problem? Sir, बाहर से जाते हुए गाड़ी की आवाज थी। शायद बाहर से ट्रक गुजरा था। Anyway, Mr. Raul, continue your class. Thank you, sir. So, boys, should we start with the class? Yes, yes, sir. ये इसे देखा है कहीं? नहीं। अरे मुंबई से आया है, मेरा दोस्त है। नहीं देखा। कितना दौड़ाएगा साले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर। ओके। सॉरी। वेल, गुड मॉर्निंग बॉयज। वेल, so good morning sir. Hmm.
गड़बड़ है राहुल, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। टीना कहते मैंने शॉप में तीन तीन लड़कों को मारा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कॉलेज का हाल तो पूछो ही मत। मैं चेंज हो गया या दुनिया चेंज हो गई है? नहीं नहीं राहुल, तू पागल हो गया है। दुनिया झूठ नहीं बोल सकती। प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सोच रहा है? शॉप में मैं था, उन लड़कों को भी मैंने ही पीटा। कॉलेज में जो बदला बदला नजर आ रहा है उसकी वजह भी मैं ही हूं। लेकिन तुम हो कौन? गोवा घूमने आया था, एक दिन तुम्हें देखा। सच कहूं, तुम्हें देख के मेरा भी वही हाल हुआ था जो आज मुझे देख के तुम्हारा हो रहा है। अनबिलीवेबल, यकीन नहीं होता। ऐसा ही होता है। डोंट वरी, अपना दोस्त समझो मुझे। सच कहूं, मजा आ रहा है तुम्हारी जिंदगी जीने में, क्योंकि तुम ठहरे डरपोक इंसान। इसलिए जब मैं राहुल बनकर लोगों की हरकतों का जवाब देता था, तब उनकी हैरानी देख के मैं इतना एंजॉय करता था कि शायद ही गोवा की खूबसूरती वो करा पाती। टीना, मैं ठंडा इंसान हूं, I'm a cool man. तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कॉलेज जाते हो तो तुम्हारी इज्जत होती है, टीना तुम्हारी इज्जत करने लगी है। किसकी वजह से? शायद तुम्हारी वजह से। तो फिर लाइफ एंजॉय कर, मैं चलता हूं वापस मुंबई। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि वो तुम नहीं कोई और था जो उन्हें धोता था, तो सब मिलकर तुम्हें धोएंगे। वो तो तुम सहलोगे, लेकिन टीना को अगर पता चला तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं? मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। मेरा तो टाइम खत्म हो गया गोवा में। ओके प्रोफेसर, सी यू। हेलो हेलो, आपको नहीं लगता कि आप चले जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा? मतलब तुम यही गोवा में क्यों नहीं रुक जाते? रुक तो सकता हूं मैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर हम दोनों यहां पे रुक जाएंगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तुम्हें काम करो, तुम मुंबई चले जाओ। वहां मेरे दोस्त हैं, वो तुम्हें मेरी तरह डैशिंग और डेरिंग बना देंगे। उसके बाद तुम गोवा चले आओ और मैं वापस मुंबई चला जाऊंगा। यस, थैंक यू। अब देखना सब मेरी मुट्ठी में होंगे। लेकिन टीना ने पहचान लिया तो? नहीं पहचान सकती। टीना को मैं संभाल लूंगा।
क्यों, कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक दिन में तुम इतना आगे बढ़ गए, पता नहीं 15 दिनों में क्या क्या कर डालोगे। मतलब वो तो तुम्हें राहुल समझकर किस कर रही थी, कम से कम तुम्हें तो उसे रोकना चाहिए था। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि टीना मुझे पहचान नहीं सकती। बट यू राइट, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हे ब्रदर, ट्रस्ट मी। यार, टीना को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है तो फिर मत जा, लेकिन तू वो राहुल नहीं बन सकता जो टीना तुम्हें देखना चाहती है। इसीलिए तो जाना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। मेरे पे भरोसा करता है ना? करता हूं ना, इसीलिए तो इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं। रिलैक्स, रिलैक्स होके जा। टीना, मेरे पास तेरी अमानत है जिसे मैं संभाल के रखूंगा। चलता हूं। रॉनी, अनोर भाई, मात्रे रानी गोवा से मुंबई वाली बस में बैठकर जा रहा है। अनवर से बात कर रहा था। हाँ कर रहा था। क्या बात कर रहा था? ये कि मैं मुंबई वाले बस में बैठा हूँ। बस का नंबर दिया? हाँ दिया। अच्छा काम किया, गुड। अब टीना को डेली शॉप पे छोड़ना, यहाँ से कॉलेज जाना, शाम को टीना को वापस ले आना, भूलना मत, याद रखना। बाय बाय मिस्टर राहुल, हैप्पी जर्नी। मुंबई में तुम्हारा जबरदस्त वेलकम होने वाला है। आज से रॉनी की कहानी खत्म। गुस्ताखिया हो जाने दे, बेईमानिया हो जाने दे, आहत से गुजर ले जरा देर को, नादानिया हो जाने दे, गुस्ताखिया तेरी नहीं नहीं जगाए ये हसरतें।
जाए ये हसरतें कहीं बेकाबू हो रहे हैं हम ये दूरियां करो लगम एक इल्तिजा सुन लो जरा एक इल्तिजा सुन लो जरा गुस्ताखियां जाने दे बेईमानियां जाने दे हद से गुजर ले जरा देर को नादानियां जाने दे गुस्ताखियां मुझे इस तरह सनम न तुम तड़पाओ मर न जाए हम मुझे इस तरह सनम न तुम तड़पाओ मर न जाए हम दिल भर मेरे तुझे कसम न ठुकराओ मर क्या हुआ टीना नहीं राहुल नहीं शादी से पहले ये सब नहीं I'm sorry. मालूम है गलत करने जा रहे हैं मैं मजबूर हूं शायद तुम भी इतना नहीं तड़पती जितना मैं तड़प रहा हूं जानती हो क्यों क्योंकि इन्हीं हाथों से आया मैंने उसको रात को नींद नहीं आती है रोता हूं मैं अकेले
ऐसा लगता है कि जैसे बार बार एक ही सवाल करता है। रोनी अब तक जिंदा क्यों है डैड? रोनी अब तक जिंदा क्यों है डैड? रोनी अब तक जिंदा क्यों है? एक को खो चुका हूं, दूसरे को खोने जा रहा हूं, यही कहना चाहती हो ना तुम? उसको छोड़ दूं? दिल नहीं मानता, मुझे माफ करना लीला। फक यू मी। का वापस कोई फोन नहीं, ना फोन कर रहा है ना उठा रहा है। हेलो, राहुल बोल रहा हूं। राहुल, तू सही सलामत पहुंच गया? हाँ। तुम्हें बस स्टैंड पे कोई मिलने नहीं आया? आया होगा, मुझे पता नहीं। मतलब वो क्या है ना कि एक जगह पे बस रुक गई थी, सब चाय पीने के लिए नीचे उतरा है, मैं भी नीचे उतर गया। टीना पता है ना बहुत टेंशन देती है, उसके ख्यालों में ऐसे डूब गया कि बस निकल गई। अरे कैसे कैसे लिफ्ट पकड़ के यहाँ तक पहुंचा हूं। ए ब्रदर, हाँ, तू किन ख्यालों में खो गया? नहीं, सोच रहा हूँ कि अब क्या करूं। अब करना क्या है, अपने दोस्तों को फोन करके बता दे कि मैं यहाँ आ गया हूँ, फटाफट मुझे ट्रेनिंग दे दे। ये देख, मैं यहाँ ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता हूँ। तू एक काम कर, सबसे पहले तो होटल में एक रूम ले ले और मुझे फोन करके बता दे तू कहाँ है, उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें आगे क्या करना है। ओके ओके। टीना कैसी है? तू उसकी फिक्र मत कर, वो बहुत खुश है। बदले बदले लग रहे हो। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। चले टीना, ये बहन जी वाले स्टाइल में मत बैठो, यू नो तू मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की तरह बैठो, यू नो। ये हैप्पी वेरी मच, आई लव यू। चलो ओके।
मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो पंडित। सर जूस। यस सर। कैमरा, पहले लोगों को शूट करता हूं इससे और बाद में इससे, सिर्फ याद रखने के लिए कि कब किसे कहां मुक्ति दी। मुस्कुराते चेहरे पसंद है मुझे। Excuse me. Yes, sir. Which way is the loop, please? Back side. Thank you. सर पीछे से कोई बाहर जाने का रास्ता है? जी हाँ, किचन से है सर। ओह माय गॉड। ओह लकी मैन। ये ge ge gere gere saiba makanaka go makanaka go। आ ए टीना, क्या करते रहे? राहुल को नाश्ते पे नहीं बुलाया मैन? नहीं बुलाया। शेमन, व्हाट इज दिस? क्योंकि मैं उसे नाराज हूँ, और इसलिए नाराज हूँ क्योंकि वो बदल गया। वो तो हमको भी मालूम है कि वो बदल गया, लेकिन तुम तो चाहता था ना कि वो बदल जाए। वो डशिंग, डेरिंग, स्ट्रांग। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है रे? वो वैसे नहीं बदला। मैं कैसे समझाऊं आपको? टीना, आदमी का माइंड हमेशा एक जैसा नहीं होता रे। अब तुमको ही देखो, अभी इसका छोटा सा बात को लेकर इतना एंग्री है तुम, और पहले उसका बड़ा बड़ा गलती माफ कर देता था। अरे तुमको तो हैप्पी होना चाहिए था मैन, हैप्पी। Who's this? Tina, जल्दी दरवाजा खोलो। राहुल
हाय। व्हाट हाय? इतनी देर से मैं, खैर छोड़ो, कहीं जा रहे हो? नहीं तो? चलो मेरे साथ। कहाँ? Please forgive me, God. मैंने क्यों मेरे राहुल पर शक किया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I hope you understand me, Rahul. Please forgive me, please. Rahul, please. Please forgive me, Rahul. Please forgive me, Rahul. Please. I'm sorry. कौन हो तुम? देना ये क्या बचपना है? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? प्लीज बताओ मेरा राहुल कहाँ है? टीना, क्या किया तुमने मेरे राहुल के साथ? कुछ नहीं किया तुम्हारे राहुल के साथ। तो फिर कहाँ है वो? हाँ बोलो, कहाँ है वो? तुमने जरूर कहीं फंसाया होगा उसे, तभी तो राहुल बनकर मेरी जिंदगी में आए हो। लेकिन एक बात याद रखना तुम, अगर मेरे राहुल को कुछ हो गया, I won't leave you. इस मुंबई शहर का सबसे बड़ा शूटर। सच बोलूं रॉनी, मुझे लगता था कि तू बहुत अकलमंद है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तू कभी मुंबई लौटेगा मैंने सोचा नहीं था। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, यहां वापस काहे को आया? खैर, आदमी कहीं भी हो, पहुंचता वही है जहां उसकी मौत लिखी होती है। सपने भर ना सके
तंग जीवन में बेरंग सपने भर ना सके रंग जीवन में क्या करे और क्या ना करे दिल है उलझन में कुछ ना कल जान मुश्किल में जी रहे हैं हम आजकल जान मुश्किल में बेसबब सी तन्हाइयां दिल की महफिल में कुछ ना रहा गम के सिवा अब जाए तो जाए कहां ये दिल अपना डूबा जा रहा भीगे नैना कुछ ना कहना ये समंदर अश्कों का कितना गहरा ये दिल अपना डूबा जा रहा भीगे नैना कुछ ना कहना कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं मगर कुछ लोग अपने लिए दूसरों की जान लेते हैं अगर इंसानियत का पाठ पढ़ाने आई हो तो कोई फायदा नहीं मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं हमेशा के लिए देखो तुम चले जाओ मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है मगर मेरे राहुल को वापस लौटा दो मैं मर जाऊंगी इसके बिना मैं किसी राहुल या किसी टीना से ज्यादा प्यार अपनी जिंदगी से करता हूं अपनी जान से करता हूं भले किसी मासूम की जान चली जाए जब तक मैं जिंदा हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हट जाओ मेरे रास्ते से नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी जब तक मेरा राहुल नहीं आ जाता मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी मुझे मेरा राहुल चाहिए मैं मर जाऊंगी नहीं रह सकता राहुल को नहीं रह सकता इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि अगर मैं उसे ले आता हूं तो मैं मर जाऊंगा भूल जा राहुल को वो अब जिंदा नहीं लौट सकता हेलो मैं राहुल बोल रहा हूँ व्हाट इज दिस मैन शे तू कैसा है मैन टीना राहुल को फोन है राहुल यस हेलो टीना टीना वो राहुल नहीं है पता है मुझे सब पता है राहुल तुम कहाँ हो राहुल राहुल मेरे पास आ जाओ प्लीज नहीं आ सकता हूँ टीना मुंबई में हूँ फंस गया हूँ उसने मुझे धोखा दिया है टीना मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ ना बाहर आ सकता हूँ उसके दुश्मनों से भरा हुआ है ये शहर सब समझते कि मैं रॉनी हूँ उसने मुझे जानबूझ के यहाँ मरने के लिए भेजा है इडियट क्यों गए वहाँ डैशिंग डेयरिंग और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारे लिए नहीं चाहिए मुझे डैशिंग डेयरिंग और स्ट्रॉन्ग राहुल नहीं चाहिए मुझे मेरा पहला पता राहुल चाहिए
राहुल तुम घबराओ मत, मुंबई में तुम कहाँ हो सिर्फ इतना बता दो, मैं डैडी के साथ तुम्हें लेने आ रही हूँ। बोलो राहुल कहाँ हो तुम, राहुल बोलो। हेलो मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैंने राहुल को तुमसे अलग किया क्योंकि मौत ने मुझे इतना डरा दिया था कि पल भर के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि मौत मेरे पीछे इसलिए है क्योंकि मेरे पाप मेरे आगे हैं, वो पाप जो कभी नजर नहीं आए मुझे। चाहता तो गोवा छोड़ के जा भी सकता था मैं, मगर तुम्हारे आंसुओं ने रोक लिया मुझे। मैं तुम्हारे राहुल को ले आऊंगा सही सलामत, क्योंकि अब डर नहीं लगता मौत से, बहुत भाग चुका, बहुत झूठ बोल चुका, लेकिन अब झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा विश्वास करो। इस दुनिया में मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे राहुल को तुम्हारे तक सही सलामत पहुंचा सके। कैसे हैं आप? अच्छा हूं, तू कैसा है? परफेक्ट गेम था मेरा। लेकिन साला ये भूल गया था कि उसके गेम के आगे किसी की नहीं चलती। घुमा फिरा के वहीं खड़ा कर दिया जहां से चला था मैं। सोचा था मौत से पीछा छूट जाएगा, लेकिन मौत से किसी का पीछा छूटा है? थक गया हूं और भाग नहीं सकता। क्या सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता? नहीं, ये कहानी खत्म होनी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि इसे कौन खत्म करे। मैं इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि मैं जीना चाहता हूं। मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता? मारियो की आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। तो ठीक है, मार दो मुझे, लेकिन मारने से पहले मुझे इतना बता दो कि मेरा गुनाह क्या है। मारियो मेरा भाई था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आगे आपकी मर्जी।
यकीन नहीं होता। खैर तू बता आगे क्या करने का इरादा है? मेरे साथ रहना है? ब्रिगेंसर के बाद शायद पुलिस की वो फाइलें भी गुम हो जाएंगी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। कोई अच्छा कर्म किया होगा इसलिए आपके सामने जीता जागता खड़ा हूं। नहीं प्रधान साहब, एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। खैर जैसी तेरी मर्जी, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। सताया तूने, बहुत दौड़ाया। तू भी सोचता होगा ऐसा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट देने वाला खत्म हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अपन अपने करियर पर कोई दाग नहीं चाहता। कोई साला ये नहीं बोल सकता कि पंडित ने अपना काम नहीं किया है? थोड़ा सा मुस्कुरा देना यार, स्माइल प्लीज, से चीज, दैट्स इट, गुड बॉय। देखो वो अच्छी चीज नहीं है, लड़कियों के काम की चीज बिल्कुल नहीं है। मुझे दे दो, देखो गोली चल जाएगी, खामखा लग जाएगी। आई बेग यू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज दे दो ना। आई बैग यू बीट। ब्रिगेंजा सही कहता था, मर के भी उसने साबित कर दिया कि उसका कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं रह सकता। मौत एक न एक दिन तो आनी ही थी, ऐसी आएगी कभी सोचा नहीं था। रोनी कहा सुना माफ़।